जंगल का मौसम बदल रहा था। आहिस्ता आहिस्ता ठंड बढ़ती जा रही थी। सभी पक्षी अपने अपने घरों को पक्का करने में लगे हुए थे। हर रोज ठंडी हवाएं तेज हो रही थी। उस दिन रानू चिड़िया चीनू से मिलने आई। अरे आओ आओ रानू बहन, आज बड़े दिनों के बाद चक्कर लगाया। और बताओ कैसी हो, क्या तुमने अपना घर पक्का कर लिया है? अरे बहन क्या बताऊं, मैं अपनी माँ के घर रहने के लिए चली गई थी और इसीलिए मैं अपना घर पक्का नहीं कर पाई। मैं अपने दोनों बच्चों को तुम्हारे पास छोड़ने के लिए आई हूँ ताकि मैं भी अपना घर पक्का कर सकूँ। प्लीज़ मेरे बच्चों को कुछ देर के लिए अपने पास रख लो। अरे हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं, इसमें पूछने वाली क्या बात है। ठीक है, तुम चिंकू और बंकू को मेरे पास छोड़ जाओ। हाँ तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बहन। ऐसा कहकर रानू अपना घर पक्का करने के लिए चली जाती है। अभी वो वापस घर की तरफ जा रही थी कि उसको कालू कौवा नजर आ जाता है। वो भी बाहर ठंड में ही बैठा था। अरे कालू भैया, तुम यहाँ बाहर ठंड में क्यों बैठे हो, क्या तुमने अपना घर पक्का नहीं किया? अरे रानू बहन, मैं तुम्हें क्या बताऊँ, मैं अपना घर पक्का करना चाहता हूँ। 2-3 दिन से मैं सूखी लकड़ी ढूंढ रहा हूँ, परंतु मुझे कहीं भी लकड़ी नहीं मिली। हर तरफ बर्फ ही बर्फ गिरी है। इतने दिन उसे ढूंढ रहा हूँ लेकिन नहीं मिली। मैं तो खुद परेशान हो गया हूँ कि अब क्या होगा। क्या, ये तो बहुत चिंता की बात है कालू भैया। मैं भी अपना घर पक्का करने जा रही थी लेकिन तुम कह रहे हो कि तुम्हें तो लकड़ी नहीं मिली, तो अब क्या होगा, अब क्या करें हम, ऐसे तो मैं घर पक्का नहीं कर पाऊंगी। रानू ने भी एक बार कोशिश करना जरूरी समझा। वह सारा दिन लकड़ी की तलाश में इधर उधर फिरती रही, परंतु उसे कहीं भी सूखी लकड़ी नजर नहीं आई। अब वो बहुत परेशान हो गई थी। या अल्लाह, ये तो बहुत गड़बड़ हो गई। अब अगर सूखी लकड़ी नहीं मिली तो हम ये ठंड कैसे गुजारेंगे? अभी रानू ये सब सोच ही रही थी कि उसके पास कालू कौवा आ जाता है। अरे क्या हुआ रानू बहन, लकड़ी नहीं मिली ना? हाँ नहीं कालू भैया, मैंने भी सारा जंगल छान मारा, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है और इस ठंड में काम करना भी बहुत मुश्किल है। अब तुम ही बताओ कि हमारा क्या होगा। चलो एक काम करते हैं, चीनू बहन के पास जाते हैं और उसको जाकर अपनी समस्या बताते हैं, हो सकता है वो हमें कोई बेहतर मशवरा ही दे दे। फिर वो दोनों चीनू के पास चले जाते हैं। चीनू चारों बच्चों की देखभाल बहुत प्यार से कर रही थी। उसने बच्चों के लिए दाल खिचड़ी बनाई थी। बच्चे बहुत शौक से खा रहे थे। साथ में रसोई में आग भी जला रखी थी ताकि बच्चों को ठंड ना लगे। चलो चलो बच्चों, शाबाश, जल्दी से खत्म करो, और चिंकू बंकू तुम्हारी मम्मी भी आती ही होंगी। अभी चीनू ने इतना कहा ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। अरे रानू बहन, तुम आ भी गई। मैं अभी चिंकू और बंकू को यही कह रही थी कि तुम्हारी मम्मी आती ही होगी। जाओ मैंने दाल खिचड़ी बनाई है, तुम भी खा लो। अरे वाह कालू भैया, तुम भी साथ में आए हो, अंदर आओ, बाहर बहुत ठंड है। फिर सब ने मिलकर खाना खाया और रानू ने चीनू को सारी बात बताई। कालू भी बहुत परेशान था। अरे चीनू बहन, हम तुम्हारे पास इसीलिए आए थे, शायद तुम हमें कोई बेहतर मशवरा दे दो। प्लीज हमें बताओ अब हम अपने घरों को पक्का कैसे करेंगे, हमारे घर बहुत कमजोर हैं। एक बार बारिश आई तो घर गिर जाएंगे और ठंड भी और ज्यादा हो जाएगी तो हमारा ठंड में रहना मुश्किल हो जाएगा। कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करें। हाँ कालू भैया, बात तो थोड़ी चिंता की है लेकिन हर समस्या का कोई ना कोई हल जरूर निकल आता है। हम मिलकर सोचते हैं कि क्या करना चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद चीनू के दिमाग की बत्ती जली। अरे कालू भैया, मेरे जहन में एक तरकीब है, अगर हम इस पर अमल करेंगे तो ये सर्दियाँ आराम से गुजर सकती हैं। तो फिर जल्दी बताओ ना बहन, हमें क्या करना चाहिए। आप मेरी बात गौर से सुनो, अगर हम सब मिलकर कोशिश करें
तो हम ऐसा ही बर्फ का एक घर बना सकते हैं। और तुम तो जानते हो कि ये बर्फ अंदर से कितनी गर्म होती है। तो हम ऐसा करते हैं ना, इसी बर्फ को इकट्ठा करके एक इग्लू घर बना लेते हैं, और वो अंदर से गर्म भी होगा और मजबूत भी होगा। क्या ख्याल है दोस्तों? लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। अरे हाँ चीनू बहन, बात तो तुम्हारी 100% ठीक है। तो चलो फिर घर बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। और फिर अगले दिन से ही वो बर्फ के घर बनाने की तैयारी शुरू कर देते हैं। कालू कौवा बर्फ की ईंटें उठा उठा कर लाता और रानू और चीनू मिलकर उसकी दीवार बनाते जाते। सारे दिन की कड़ी मेहनत के बाद आधा घर मुकम्मल हो चुका था। केवल उसकी छत बाकी थी कि अचानक एक बर्फ का तूफान आने के संकेत नजर आने लगे। अरे कालू भैया, ये सब क्या हो रहा है? मुझे लगता है बर्फ का बहुत बड़ा तूफान आने वाला है, लेकिन अभी हमारा घर मुकम्मल नहीं हुआ। अगर बर्फ का तूफान आ गया तो ये घर तो बीच में ही दब जाएगा, तो फिर हम क्या करेंगे? तुम ठीक कह रही हो बहन, इस तरह तो हमारी सारी मेहनत जाया हो जाएगी। सोचो, इसको बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। अरे चीनू बहन, मेरे पास एक तरकीब है। क्यों ना हम ऐसा करें कि मेरे पुराने घर की छत उठाकर इस इग्लू पर डाल देते हैं। इस तरह से हमारा घर तूफान की जद में आने से बच जाएगा। क्या ख्याल है दोस्तों? रानू के घर की छत सूखी घास से बनी थी। उसका ठंड में रानू को कोई फायदा नहीं होने वाला था, लेकिन उसके घर की छत उनके नए घर को बचा सकती थी। इसलिए वो सब मिलकर रानू के घर की छत उठाने चले जाते हैं। ये सारा काम उनको तूफान के आने से पहले पहले ख़त्म करना था। इसीलिए तीनों पंछियों ने मिलकर जोर लगाया और बड़ी मेहनत के बाद वो रानू के घर की पुरानी छत उठाने में कामयाब हो जाते हैं। फिर उन्होंने वो छत लाकर बर्फ के घर पर डाल दी। हाय शुक्र है, सारा काम ठीक से हो गया। कालू भैया, ये काम तो हो गया। और रानू बहन, तुम दोनों के घर तो रहने के काबिल नहीं है, और इस तूफान में तुम दोनों क्या करोगे? तो एक काम करो ना, आज की रात तुम दोनों मेरे घर पर गुजार लो। कल फिर अगली सुबह दोबारा से काम शुरू हो जाएगा और तुम्हारा घर भी मुकम्मल हो जाएगा। तो फिर तुम लोग यहाँ रहने के लिए आ जाना। तूफान भी तेजी से जंगल की तरफ बढ़ रहा था और चीनू उन दोनों को लेकर अपने घर चली जाती है। चीनू ने घर में आग जला रखी थी, जिसकी वजह से सारा घर गर्म हो गया था। उनके घर में आते ही तेज तूफान आ जाता है। बारिश और बर्फ गिरने लगती है, लेकिन वो सब चीनू के घर में महफूज भी थे और आग की वजह से उनको सर्दी भी नहीं लग रही थी। मम्मी मम्मी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे दोस्त चिंकू और पंकू जो हमारे घर में रुके हैं। हाँ दोस्त, हमें भी आपके घर में रहना अच्छा लगा। सच में आपने तो जो हमारे लिए किया है वो तो कोई अपना भी नहीं करता। चीनू आंटी, सच में आप बहुत अच्छी हैं। अरे नहीं बेटा, ये सब तो मेरा फर्ज था। याद है ना, पिछली सर्दी में तुम्हारे पापा ने मेरे घर की छत मरम्मत करने में कितनी मदद की थी। आखिर हम पंछी ही एक दूसरे के काम आएंगे ना, बाहर से तो कोई थोड़ी ना आएगा। भाई ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो चीनू बहन, तुमने वाकई हमारा बहुत साथ दिया। अल्लाह तुम्हारा भला करे। और फिर इसी तरह वो रात गुजर जाती है। अगली सुबह तूफान थम चुका था और वो सब अपने बर्फ के घर को देखने के लिए जाते हैं। चीनू के दिमाग में जो तरकीब थी वो काम कर गई थी। छत डाल देने की वजह से उनका बर्फ का घर तूफान की जद में आने से बच गया था। इसलिए वो सब मिलकर बाकी का काम भी मुकम्मल कर लेते हैं। और इसी तरह उन्होंने कालू कौवे के लिए भी बर्फ का घर बना लिया था। उन दोनों की मेहनत रंग ले आई थी, अब वो मजबूत और पक्के घरों में थे। ये सर्दी उनके लिए आराम से गुजर सकती थी। चीनू बहन, मैं बहुत खुश हूँ,
तुमने वाकई हमारा बहुत साथ दिया। आज शाम की चाय मेरे घर पर होगी, याद से आना। शाम के समय चीनू, कालू कौवा और उसके बच्चे रानू के घर पर चाय पीने के लिए आए थे। रानू ने लकड़ियां लगाकर आग जला रखी थी और फिर वो सब आग के पास बैठकर चाय का मज़ा उठाने लगे। देखा प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि इत्तफाक से काम करने में कितनी बरकत है। वो सब अगर मिलकर एक दूसरे की मदद ना करते तो उनके लिए मुसीबत हो जाती।